दोस्तों, आज हम बना रहे हैं तुरुंज या खट्टा, इसे कहा जाता है, जो स्पेशली हिमाचल में सर्दियों में खाया जाता है। तो आज मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो उसके लिए आपको जो चाहिए होता है, उसमें चाहिए आपको खट्टा या तुरुंज, जिसे कहते हैं हम, लहसुन, लहसुन हरी लहसुन आपको इसमें चाहिए होती है, जो आजकल हमारी क्यारियों में लगी होती है मैक्सिमम टाइम। हरा धनिया आपको, उसमें गुड़ आपको, पुदीना और हरी मिर्च। तो आइए शुरुआत करते हैं, इसको किस तरीके से बनाया जाता है मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या होता है, फर्स्ट आपको एक कुंडी, या इसे आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, पर असली जो ट्रेडिशनल है वो आप इसमें इस तरह की, या मतलब जो पत्थर की कुंडी होती है उसमें यूज़ किया जाता है। तो उसमें पहले डाला जाता है आपको पुदीना, मिर्ची, पुदीना और मिर्ची हमें डाली चाहिए इसमें, हरा धनिया और लहसुन की कलियां। पहले ये इसका मसाला बनाया जाता है, कलियां, सॉरी कलियां नहीं, पर हरी लहसुन इसमें यूज़ होती है, जो मैक्सिमम हमारे यहाँ। फिर इसको अच्छे से पीसा जाता है, आपको इसे इस तरीके से पीसना होता है। स्वाद अनुसार इसमें आप नमक भी डालना है आपने, जितना आप चाहते हैं। मैंने इसमें 1.5 चम्मच इसमें नमक यूज़ किया है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप चाहते हैं, जितना आप नमकीन खाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल सकते हैं। फटाफट करना होता है, जल्दी जल्दी आप इसे काट लीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी कड़वा हो जाता है। छोटे छोटे पीसेस में आप इसे कट कर लीजिए इस तरीके से, जल्दी जल्दी। गुड़ खट्टे को आप इस तरह से काट लेंगे, तुरंत जिन्हें भी खाते, जो भी आपके यहाँ नाम ये बुलाया जाता है। फिर हम इसमें सारा मसाला, ये जो हमने पीसा है पेस्ट बनाया था, वो साथ में गुड़, थोड़ी सी चीनी भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे मैं भी थोड़ी सी चीनी इसमें डाल रही हूँ, 1 चम्मच, 1 चम्मच आप इसमें चीनी ऐड करके इसे आप हाथ से मिला लीजिएगा, और थोड़ा सा नमक अगर आप ऐड और करना चाहते हैं। इस तरह के हाथ से या चम्मच से आप दोनों चीजों से मिला सकते हैं, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है। मुझे हाथ से मिलाना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मसाला पूरी जगह हो जाता है। आप इस तरीके से मिला सकते हैं। आप इसे फिर कटोरी में डाल के सर्व करें, और धूप में बैठ के खाएं, अच्छे से एंजॉय करें इसे। और थोड़ा जल्दी खाना होता है इसे, ताकि ये कड़वा ना हो जाए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी मुझे दीजिएगा। थैंक यू।